पहले के जमाने में पिता नाम आधार पर बेटी का लोग नाम रखते थे। पिताजी का जो नाम है ना, उसी नाम के आधार पर लोग बेटी का नाम रखते थे। जैसे राजा जनक जी, बेटी का नाम जानकी। विचार, राजा द्रौपदी महाभारत में द्रौपदी की बेटी का नाम द्रौपदी, तो बेटी का नाम रखा सबरी। देखिए, बाल बच्चे का नाम भी बढ़िया रखे, सबरी नाम रखिए, अनुसुईया नाम रखिए, नर्मदा रखिए, सीता जी रखिए, सावित्री रखिए। ऐसे सब संस्कारी नारी जो हुई हैं, उसी का नाम हम लोग अपने बच्ची का रख नाम रखते हैं। सुदिया, मैनिया, कोचलिया, ये सब कोई नाम है। बेटा का नाम भी रखिए, राम रखिए, कृष्ण रखिए, शिव रखिए, मुरलीधर रखिए, चक्रधर रखिए। ये नहीं बेटा का नाम ढोड़वा, मुंगना, होमना, ये सब नाम छुतारा, ये सब नाम नहीं रखिए। बोलिए प्रेम से आनंद करने भगवान। इसलिए बाल बच्चे का नाम भी वही नाम रखिए जो महापुरुषों के नाम थे। बेटी का नाम रखा सबरी। सबरी मतलब सबसे बड़ी, सबरी मतलब सबसे बड़ी। सजनों, सबर भील ने बेटी का नाम रखा सबरी। सबरी धीरे धीरे बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई, विवाह के योग जब सबरी हो गई, सबर भील छागर खरीद खरीद कर लाते थे और रखे थे। मकान में छागर को बंद करके रखे लगभग 150 से ऊपर। चलिए, एक दिन सबरी देश देश के छागर आने कुलदेवा के देव बलि। मातु से जाई कहे सबरी माई बहन सुनो चितलाई, केही कारण छागर बंद कियो मोरी माई। सत्य सत कहो समझाई, एक दिन सबरी अपनी माता से बोली, माँ मेरे पिताजी इतना छागर घर में बंद करके क्यों रखे हैं? माता बोली, बेटी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबरी के कोल करी बोलिया बचन, तुम्हारे विवाह दिन छागर खंडन। सबरी की माता बोली, बेटी तेरे विवाह के दिन सभी छागर को माता भगवती के मंदिर में बलि दी जाएगी। बलि बली।
और माता भगवती भी प्रसन्न हो जाएगी। बारात जो आएंगे, बारात को मांस खाने के लिए मिल जाएगा। सबरी को दुख हुआ, कहा मां बताओ मैं कितनी बड़ी पापनी हूं, मेरे विवाह के चलते इतने इतने जीवों की हत्या। मां बोली बेटी, माता भगवती के ही कृपा से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए बलि दिया गया। सबरी रोने लगी, मां मैं पापिनी बड़ी भारी हे माई मोरी, मैं पापिनी बड़ी भारी, हमारे एक विवाह के कारण क्रोटी जीव बधकारी हे माई मोरी, मैं पापिनी बड़ी भारी, मैं पापिनी बड़ी भारी हे माई मोरी, मैं पाप यह सब सुनी हाँ सतकुलवा की, यह सब सुनी लोग हाँ सतकुलवा की, अब जैसा हो से बड़ी भारी हे माई मोरी, माय पापी बड़ी भारी, माय पापी बड़ी भारी हे माई मोरी, माय पापी बड़ी भारी। सबरी बोली मैं पापिनी बड़ी भारी हे माई मोरी, मैं पापिनी बड़ी भारी। सजनों सबरी जीवों पर दया करती थी, सारे जीवों पर दया करना चाहिए, एक सबरी से मनुष्य को शिक्षा लेना चाहिए। लेकिन दुनिया तो छोड़िए, एक भील जाति में सबरी हुई, सबरी रोने लगी मैं पापनी हूं, मेरे चलते सारे सारे छागा बलि हो गए। सच रात्रि के समय सबरी क्या करती है सज्जनों, केवाड़ खोल कर छागर निकाल निकाल कर कहती थी भागो, अपना प्राण बचा करके भागो, मेरे पिताजी भगवती मंदिर में तुम सबको बलि दे देंगे, भागो। छागर भागते थे, सबरी को आशीर्वाद देते थे, बेटी जब तुम बलि होने से हमको मुक्त किया है तो हम भी वचन देकर जा रहे हैं कि परमात्मा तुमको भी जन्म मरण के बंधन से एक दिन तुमको भी मुक्त कर देंगे।
जब आप किसी के ऊपर दया कीजिएगा सज्जनों, वो भी आपके ऊपर दया करेगा। मनुष्य को चाहिए पापिनी नहीं होना चाहिए, हत्यारा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सत्संगी होना।